गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की डिटेल्स समझनी है। जैसे हमने बेसिक ओवरव्यू लिया था हमारा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं, जैसे हमने किडनी की बात करी थी, फिर यूरेटर की बात करी थी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, तो ऑल दीज फॉर्म अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। Now today we have to study about the structure of kidney, कि किडनी के अंदर कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जितना भी नाइट्रोजनस रिच आपका वेस्ट ब्लड के थ्रू आ रहा है वो हमारे किडनी में एंटर करता है और वहाँ से फिर वो जो नई ब्लड वैसे निकलती है दैट हैव क्लीन ब्लड। तो इसके अंदर क्या ऐसा हो रहा है कि फिल्ट्रेशन, हम क्या कहेंगे कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यहाँ पर छन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किडनी के स्ट्रक्चर की। देखो लिखा हुआ है किडनी का जो स्ट्रक्चर, हमने कल साइज की बात करी थी, 10 टू 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और एवरेज वेट एक किडनी का कितना होता है, 120 टू 170। इसकी जो शेप है बीन शेप्ड होती है, जैसे आपका राजमा होता है उस तरीके की शेप है, और जहाँ पर वो कर्व प्रेजेंट है, कॉनकेव सरफेस है किडनी का, वहाँ की जो डिप्रेशन है, नोच का मतलब होता है डिप्रेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं, जिसमें जिसके थ्रू यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सारी क्या है, एंटर और एग्जिट करती हैं, ठीक है। इनर साइड, हीलियम के अंदर वाला जो साइड है वो काफी ब्रॉड फनल की तरह हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, उसमें से प्रोजेक्शंस निकलती हैं, मतलब जैसे पहाड़, कभी पहाड़ आ रहा है फिर कभी वैली आ रही है, तो ये जो उबड़ खाबड़ चीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शंस। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कैलेक्स बोलेंगे। जो किडनी का एरिया है वो डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, बाहर वाले में, जैसे ये देखो आपकी बुक में भी दिखा रखा है स्ट्रक्चर, ये किडनी का स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है। देखो ये शेप क्या है, बीन शेप्ड है, ठीक है, बीन की शेप्ड है, और इस रीजन को जहां से क्या है आपकी ब्लड वेसल्स एंटर कर रही हैं, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से आपकी ब्लड वेसल्स, यूरेटर या आपकी नर्व्स जो एंटर करती हैं उस एरिया को हम, ये जो डिप्रेस्ड पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, हीलियम बोलेंगे। अब ये हीलियम वाला जो पार्ट है अंदर जाकर ब्रॉड हो गया है, ऐसे ऐसे फैल गया है, जैसे फनल होती है आपको, जैसे आप कुपी जिसे बोलते हो कि उसका माउथ तो नैरो होता है और आगे जाकर वो ब्रॉड हो जाती है, वो वाला पार्ट हो गया कि ये इतना था, आगे जाके ये ऐसे ब्रॉड हो गया। इस सारे पार्ट को, ये जो येलोइश पार्ट दिखा रखा है इसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस। लेकिन ये देखो रीनल पेल्विस एक स्ट्रेट नहीं है, देखो कहीं पर ये डिप्रेशन आ रही है, कहीं पर ऊपर उठ रहा है, फिर ये डिप्रेशन आ गई, फिर ये ऊपर उठ गया, ये जो डिप्रेशंस हैं, ये पार्ट, जैसे यहाँ उठ रहा है, यहाँ उठ रहा है, यहाँ उठ रहा है, इन सारे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैलेक्स बोलेंगे। ये कैलेक्स भी दो तरीके के होते हैं, माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स, ये वैसे आप बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ोगे। माइनर कैलेक्स का मतलब है जिसमें डिप्रेशन थोड़ी लो होगी, मेजर कैलेक्स जिसकी डिप्रेशन थोड़ी हाई होगी, ठीक है। तो आपका जो रीनल पेल्विस है दैट इज नॉट स्मूथ, इट हैज एन प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलेक्स, ठीक है। अब ये सारा किडनी का पार्ट है जो आपको पिंकिश पार्ट दिखा रखा है, ये पार्ट दो एरियाज में डिवाइडेड होता है, एक तो वो पार्ट जो बिल्कुल आपकी वॉल के साथ है, किडनी की वॉल को हम क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल, जो कवरिंग प्रेजेंट होती है किडनी के ऊपर उसे हम क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल। तो वो पार्ट हमारा किडनी का जो बिल्कुल नियरर टू दी वॉल है, बिल्कुल दीवार से सटा हुआ है, उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा क्या कहलाता है, मेडुला, क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है, ठीक है।
इस मेडुला पार्ट में क्या है, कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जो किसके साथ जुड़ रही हैं, कैलेक्स के साथ जुड़ रही हैं। ये देखो ये प्रोजेक्शंस निकली हुई थी और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं हमारी मेडुलर रीजन में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स। क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड्स बोलेंगे यहाँ ये पार्ट। ठीक है, अब आप देखो ये मेडुलरी पिरामिड्स क्या है, बीच बीच में क्या है, ये पार्ट एंटर कर रहा है, पिंकिश पार्ट, है ना। पिंकिश पार्ट हमने क्या कहा था, कॉर्टेक्स। तो मेडुलर पार्ट में क्या है, डिप्रेशंस बनी हुई हैं, किसकी वजह से, मेडुलरी पिरामिड्स की वजह से। और कौन सा पार्ट यहाँ पर एंटर कर रहा है, कॉर्टेक्स। तो ये जो पार्ट है जहां पर मेडुलरी रेज के बीच मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में क्या है, आपका कॉर्टेक्स पार्ट एंटर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टानी। ये पोर्शन क्या कहलाया जाएगा, कॉलम ऑफ बर्टानी। देखो यहां पर दिखा भी रखा है, रीनल कॉलम बोलो या कॉलम ऑफ बर्टानी। तो इंटरनली हमारा जो किडनी है वो इस तरीके के स्ट्रक्चर है। आप कैसे बनाओगे इसको, मैं आपको एक बार बनाकर दिखा देती हूँ। ठीक है, आपने बीन शेप स्ट्रक्चर बनाना है। ये जो डिप्रेशन है इसे हम क्या बोलेंगे, हीलियम। ठीक है, अब ये इधर जाकर क्या कर रहा है, कुछ डिप्रेशंस बना रहा है। ये देखो यहां पर ये अंदर जाकर क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। तो ये सारा पार्ट क्या कहलाया जाएगा, रीनल पेल्विस। इस रीनल पेल्विस में ये जो इमेजिनेशंस हैं या प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, कैलेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, और हमारी जो किडनी है बाहर एक लेयर से कवर होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल। ये क्या कहलाई जाएगी, रीनल कैप्सूल। ठीक है, अब किडनी का जो पार्ट नियरर टू दी वॉल है उसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। और ये नियरर टू तो हम रीनल पेल्विस कह दें, ये वाला पार्ट क्या कहलाया जाएगा, मेडुला। वैसे ये हर ऑर्गन के लिए होता है, आप जैसे हम बात करें लिवर की बात करें या हम कोई भी ग्लैंड की बात करें, वो पार्ट किसी भी ऑर्गन का नियरर टू दी वॉल होगा। जैसे आगे आप प्लस टू में जाके टेस्टीज और ओवरीज पढ़ोगे तो वहां पर भी ये टर्म्स आएंगे, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो आपने कैसे ध्यान रखना है, वो पार्ट किसी भी ऑर्गन का जो उसकी दीवार से सटा होता है, उसकी इपिडर्मिस बाहर वाली लेयर के पास होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और इंटरनल पार्ट्स को अंदर की तरफ जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, तो इस मेडुला में क्या है, क्या प्रेजेंट है, कुछ तरीके की पिरामिड्स प्रेजेंट है। ये देखो ये ऐसे पिरामिड्स प्रेजेंट है। ये इन्हें हम क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड्स बोलेंगे। अब आप देख रहे हो इस मेडुलरी पिरामिड में ये जो पार्ट, यहां पर कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि कॉर्टेक्स का पार्ट, वो पार्ट कॉर्टेक्स का जो मेडुला में एंटर कर रहा है, क्योंकि हम ये वाला पार्ट तो क्या कह रहे थे, मेडुलरी रीजन बोल रहे थे हम, मेडुला वाला पार्ट है। मेडुला वाले पार्ट में कुछ क्या है, पिरामिड्स प्रेजेंट हैं, उन पिरामिड्स के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। इस स्पेस में हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट एंटर करता है, तो ये क्या है, एक चैनल सा बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, इसको हम क्या बोल देंगे, कॉलम ऑफ
बर्टानी या रीनल कॉलम बोल देंगे, कॉलम ऑफ बर्टानी, ठीक है, ये है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इस किडनी के अंदर बहुत तरह की, अभी अभी हमने फंक्शनल चीज कुछ नहीं पढ़ी, हमें पता है यहां से क्या आ रहा है, आपकी वेन एंटर कर रही है, दैट हैव ऑक्सीजन नाइट्रोजन रिच वेस्ट, रीनल वेन जिसमें नाइट्रोजन रिच वेस्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एंटर कर गया। जैसे ही ये एंटर करेगा, ये अब आगे जाकर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो ब्रांचेस अब अंदर क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है कि वो ब्रांचेस कैसे अब काम करेगी, वो अब हम वो बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हीलियम के थ्रू आपकी रीनल वेन यहां पर एंटर करती है, इट डिवाइड इनटू वेरियस ब्रांचेस, मिलियन ऑफ ब्रांचेस इन अ रीनल पेल्विस, ठीक है। अब वो जो ब्लड वेसल्स की ब्रांचेस हैं, वो कहाँ जाकर एंटर करेगी, अब हम वो बात करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बता रखा है नेक्स्ट, ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हर किडनी के अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर जाना है कि ऐसा ऐसा प्रेजेंट होता है, अब काम करने वाली चीज हम देखते हैं कि कौन सी चीज किडनी में काम कर रही है, जिसकी वजह से जितना भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किडनी में रह जाता है और फ्री ब्लड दोबारा से हमारा रीनल आर्टरी के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम नेफ्रॉन की बात करते हैं, तो फंक्शनल यूनिट क्या हुआ बच्चे किडनी का, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन में क्या है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल, ये देखो, ये सारा स्ट्रक्चर ब्लू वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा हर नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है। तो अभी मैंने कहा था कि कैलेक्स में आकर आपकी ब्लड वेसल्स, जो रीनल वेन आ रही है, वो मिलियन ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, वो ब्रांच आपकी रीनल वेन की जो डिवाइड हो गई है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल, क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, थोड़े नाम आपको रिमेम्बर करने पड़ेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल क्यों बोल रही है, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है वो, तो हर जो रीनल पेल्विस में यहां पर आकर आपकी ये जो ब्रांच आ रही थी रीनल वेन की, मिलियन ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, और हर एक ब्रांच यहां पर हमें पता है मिलियन ऑफ क्या प्रेजेंट है, आपके नेफ्रॉन प्रेजेंट है, तो वो हर एक ब्रांच नेफ्रॉन में एंटर करती है, तो जब वो एंटर कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एफरेंट आर्टियोल, और कहाँ एंटर करती है, इन द बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल में जैसे ही एंटर करती है, वहां जाकर ये गुच्छा बना लेती है, ये देखो जाल बना हुआ है बिल्कुल, इस जाल को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमुलस, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमुलस, ठीक है। फिर ये गुच्छा बनने के बाद अब बाहर भी निकलेगी, ये थोड़ा ब्लड वेसल वहीं पर रह गई, क्योंकि हमें पता है यहां पर छनने के बाद साफ ब्लड आपका क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो छनने वाला काम यहां पर हो रहा है, ब्लड आया रिच इन नाइट्रोजन, यहां पर कुछ काम हुआ, फिर यहां से ब्लड वेसल निकली है, इसे हम क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल, क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल। तो यहां से जो ब्लड आएगा, दैट इज फ्री फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट, फिर ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल निकली है, ये दोबारा कैलेक्स वाले रीजन में आकर उसकी सारी ब्रांचेस आएंगी, और वो रीनल पेल्विस में जुड़कर क्या है, आपकी रीनल आर्टरी बना देगी। तो रीनल आर्टरी में क्या आ रहा है,
प्योर ब्लड दैट इज फ्री फ्रॉम नाइट्रोजन. जबकि रीनल वेन में जब हमने एंट्री कराई थी तो ब्लड कैसा था, नाइट्रोजन वेस्ट से रिच था. तो अंदर जाकर किडनी में क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन बोल रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, अपना छानने का काम कर रहे हैं कि जो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारा इधर छन जाएगा और यहां से जब वेसल बाहर निकलेगी वो फ्री फ्रॉम नाइट्रोजनस वेस्ट. तो एंटर करने वाली वेसल को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, एफरेंट आर्ट्रियोल. और निकलने वाली वेसल को हम क्या बोल रहे हैं, ईफ्रेंट आर्ट्रियोल. आप इसको कैसे याद कर सकते हो, ई ई का मतलब होता है एग्जिट, ई से क्या आ जाएगा, एग्जिट. एग्जिट क्या कहते हैं हम, बाहर निकलो, एंट्री एग्जिट होता है ना, तो एग्जिट से याद रखो, एग्जिट निकलने वाली, ईफ्रेंट आर्ट्रियोल. ठीक है, तो ये था हमारा मेन फंक्शनल पार्ट. क्या है, बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल में क्या प्रेजेंट है, कप लाइक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर ब्लड वेसल्स आ रही हैं जो क्या बना रही है, आपका ग्लोमुलस. इसके ये था फंक्शनल पार्ट. अब इसके अलावा बहुत सारे हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है. मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देती हूँ नेफ्रॉन का, एक नेफ्रॉन कैसे दिखता है. ये हो गया हमारा बोमेन कैप्सूल, कप स्ट्रक्चर हम कह रहे थे. आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है और इसने अंदर आकर ब्लड वेसल का क्या बना लिया, बिल्कुल गुच्छा बना लिया. और अब ये ब्लड वेसल बाहर निकल रही है, बाहर निकलने वाली को हम क्या बोल रहे हैं, ईफ्रेंट. एंटर करने वाली को क्या बोल रहे थे, एफ्रेंट. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा. अब इसके बाद ये जो यहां से छन गया दब, तब आगे वाले स्ट्रक्चर क्या क्या प्रेजेंट है, क्योंकि नेफ्रॉन सिर्फ ये नहीं है कि बोमेन कैप्सूल है, नेफ्रॉन इंक्लूड बोमेन कैप्सूल, प्लस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. अब हम उन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के की बात करते हैं. तो क्या है, जैसे ही बोमेन कैप्सूल से ये ब्रांच बाहर निकलती है, ये थोड़ी इस तरीके से हो जाती है, फिर नीचे एक स्ट्रेट ट्यूब जाएगी, फिर वो दोबारा से कर्व हो जाएगी, फिर ये दोबारा से कर्व है, ये हमारा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. इस वाले हिस्से को बच्चे हम क्या बोल रहे हैं, बोमेन कैप्सूल बोल रहे हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, ग्लोमुलस. अब हम इन पार्ट्स के जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं इनकी बात करते हैं. ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये कर्व्ड स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉल्मुलेटेड टिब्यूल. ये देखो, टिब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म एन हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल. टिब्यूल वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्यूब लाइक हैं सारी चीजें, जैसे आपकी पाइप होती है उस तरीके से. तो ये जो कर्व्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलेंगे, PCT. ठीक है, इसके बाद क्या, देखो आप एक जैसे आपकी लड़कियों की हेयर पिन होती है ना, सिर में लगाने वाली जो सुई होती है, उसकी तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है आप अगर सिर्फ इतना हिस्सा देखोगे. ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक, इसे हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले. हेनले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, लूप ऑफ हेनले. अब ये जो ब्रांच है बच्चे, नीचे आ रही है और ये ब्रांच क्या है, ऊपर जा रही है. तो लूप ऑफ हेनले की एक ब्रांच को हम क्या बोल देंगे, डिसेंडिंग लिम्ब.
डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे की तरफ आना या ऊपर से नीचे आना, डिसेंडिंग लिम्ब। और ये लिम्ब क्या है? ऊपर जा रही है, इसे हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब, मतलब छोटे से बड़े की तरफ या नीचे से ऊपर जा रही है। तो ये जो आपका लूप हेयर पिन की तरह जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले, जिसके दो ब्रांचेस हैं, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, फिर दोबारा से कॉइल्ड स्ट्रक्चर आ गया, इसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये देखो, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगी? आपकी कलेक्टिंग डक्ट। तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बच्चे, इतना। कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट है? मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है। तो मिलियन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स हो जाएंगे। वो कलेक्टिंग डक्ट्स दोबारा से कैलेक्स रीजन में आकर जुड़कर क्या बना देंगी? आपकी रीनल आर्टरी। ओ सॉरी, यहां से कलेक्टिंग डक्ट जुड़कर क्या बना देंगी? यूरेटर का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि यहां से तो वेस्ट कलेक्ट हो गया है। सॉरी, वेस्ट कलेक्ट होने के बाद जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स आपकी नेफ्रॉन से आ रही थी, वो सारी जुड़कर क्या बना देंगी? यूरेटर बना देंगी, जिसमें क्या एंटर करेगा? आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट टू एक्सपेल, बाहर निकालने के लिए जो रास्ता बना हुआ है, अब वहां जाएगा वो। ठीक है, तो यूरेटर में सारा जितना भी आपका कलेक्टिंग डक्ट में वेस्ट इकट्ठा होएगा, यहां सारे प्रोसेस करने के बाद वो क्या किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा? यूरेटर के। ठीक है, तो अब मैं एक थोड़ी सी रीडिंग लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए। जैसे हमने पढ़ा, रीनल ट्यूब्यूल बिगेन विद डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बॉम एंड कैप्सूल, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, विच एनक्लोज ग्लोमुलस, ग्लोमुलस अलोंग विद बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड मालपिजन बॉडी और ए रीनल कैप्सूल। इन दोनों को, ये बोमन कैप्सूल हुआ, ये ग्लोमुलस हुआ, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? मालपिजन बॉडी बोल रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए मालपिजन बॉडी? इट इज ए बोमन कैप्सूल, इट इज ए ग्लोमुलस, इट इंक्लूड बोथ। तो बोथ आएगा, दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें। फिर उसके बाद ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यू फर्दर टू फॉर्म एन हाईली कॉइल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। उसके बाद हेयर पिन शेप्ड आ जाती है, हेनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। द असेंडिंग लिम्ब कॉन्टिन्यू एज एन अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन, जिसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू एन स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, ठीक है, थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलेक्स। जैसे अभी हमने बात करी कि ये सारे कहां आकर खुलेंगे? कैलेक्स के थ्रू रीनल पेल्विस में आकर खुल जाएंगे, जो आगे किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा? यूरेटर के साथ। आपको बच्चे वर्ड समझ आने चाहिए, ये क्या है? ये हीलियम है। ये सारा पोर्शन क्या कहलाया जाएगा? रीनल पेल्विस। ये जो प्रोजेक्शंस हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? कैलेक्स। इन प्रोजेक्शंस के ऊपर क्या लगे हुए हैं? पिरामिड्स लगे हुए हैं, मेडुलरी पिरामिड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कहां पर प्रेजेंट होता है। जैसे हम बात करें कि ये वाला पार्ट क्या था? आपका कॉर्टेक्स था, और ये वाला पार्ट क्या था? मेडुला था। तो जितना भी आपका हम बात करें कि आपका ये था, सॉरी, मालपिजन बॉडी थी, जिसमें ग्लोमुलस और बोमन कैप्सूल प्रेजेंट था, और जितने भी आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, जैसे हम पीसीटी की बात करें, डीसीटी की बात करें, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इस रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है, मतलब ये सारा पार्ट आपका कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में। सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट कह सकते हैं, या हम कहें लूप ऑफ हेनले कहां प्रेजेंट होता है? आपका मेडुलरी पार्ट में।
ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो नेफ्रॉन का अभी हमने सारा स्ट्रक्चर देखा, मैक्सिमम पार्ट आपका रीनल कैप्सूल की बात करें हम या मालपिजन बॉडी की बात करें, पीसीटी डीसीटी ये सारा पोर्शन कहाँ प्रेजेंट है आपका, टुवार्ड्स दी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स रीजन में। और ये जो लूप ऑफ हेनले था हमारा, ये देखो जो येलो लेयर जा रही है इसमें लिखा हुआ है डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब, ये जो जा रही है ये पोर्शन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन में। तो डिपेंडिंग की किस बेसिस पर, मतलब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगी। जैसे अभी हम देखते हैं तिमाल पिजन कॉर्पसल्स पीसीटी डीसीटी ऑफ ए नेफ्रोन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ एन किडनी, कॉर्टिकल का मतलब कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, जबकि लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुलरी रीजन में, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या बताना चाह रहे हैं अब ये कि लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है हमारा मेडुलरी रीजन में होता है, लेकिन ये जो लेंथ है लूप ऑफ हेनले की ये वेरी करती रहती है। जिन ऑर्गन जैसे हम कैमल की बात करें, वो क्या है डेजर्ट एरिया में रह रहा है, तो उसको क्या है पानी इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो उसको क्या है ज्यादा से ज्यादा पानी कंजर्व करना है। तो जहां पर कंजर्वेशन ऑफ वाटर बहुत एसेंशियल है वहां पर लूप ऑफ हेनले क्या होता है, लंबा होता है। और जहां पर जो इजीली वाटर, जैसे हम बात करें कि डॉल्फिन है या वेल्स हैं, दे आर लिविंग इन द वाटर इटसेल्फ, तो उनके किडनी के अंदर लूप ऑफ हेनले क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस डिसाइड कर रही हैं कि लूप ऑफ हेनले का साइज क्या होगा, क्योंकि लूप ऑफ हेनले ही वो पार्ट है जहां पर वाटर कंजर्वेशन होती है, आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। तो लूप ऑफ हेनले छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, जैसे लिखा हुआ है इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट होता है, लेकिन किसी और मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि ज्यादातर पार्ट कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। आपका बोमेन कैप्सूल भी, ग्लोमुलस भी, पीसीटी भी, डीसीटी भी, और लूप ऑफ हेनले तो है ही छोटा, तो मेडुला पार्ट बहुत कम है। जबकि कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनमें क्या है लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है, मतलब मैक्सिमम लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट जो कहां प्रेजेंट है, मेडुला, तो मेडुला रीजन वेल डेवलप होता है उनके अंदर। तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, जुक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द लूप ऑफ हेनले दो तरह के नेफ्रॉन्स हो गए, जिन नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले छोटा होता है उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और जिनका लूप ऑफ हेनले लंबा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जुक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ग्लोमुलस में क्या एंटर कर रही थी, कौन बना रहा था, जो वेसल्स एंटर कर रही है, एंटर करने वाली को हम क्या बोल रहे थे, एफरेंट, और जो निकल रही है बच्चे इसको हम क्या बोल रहे थे, इफरेंट। ये देखो ये निकल कर सीधी आपकी कैलेक्स में नहीं जा रही है, ये पहले क्या है पूरे हमारे ट्यूबुलर पार्ट के ऊपर जाल बना रही है, ये जो रेड पोर्शन है ये क्या है इफरेंट आर्टियोल निकली हुई है, ये सीधी निकल कर वहां नहीं गई है, सीधी यहां से निकलकर ये यहां नहीं आई है। इसने क्या किया, जितना भी ट्यूबुलर पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का उसके ऊपर जाल बना लिया है, इस जाल को हम क्या बोलते हैं, वाजा रेक्टा, क्या बोलते हैं, वाजा रेक्टा। तो ज्यादातर ये जाल देखो बच्चे कहां पर प्रेजेंट है, डीसीटी पे नहीं प्रेजेंट, पीसीटी पे नहीं प्रेजेंट, ये ज्यादातर किसके ऊपर प्रेजेंट है, लूप ऑफ हेनले के लिम्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या है वाजा रेक्टा, ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनले लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वाजा रेक्टा। तो वाजा रेक्टा किसमें प्रेजेंट होगा, जिनमें लूप ऑफ हेनले क्या है, लंबा है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जिनमें लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है वहां पर वाजा रेक्टा क्या होता है, एब्सेंट होएगा या छोटा ही बनेगा, क्योंकि वहां पर लूप ऑफ हेनले ही क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो वाजा रेक्टा क्या है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ
efferent arteriole over the loop of Henle, उसे हम क्या बोलेंगे, vasa recta. तो ये था हमारा internal structure of the kidney, जिसके अंदर हमने kidney के parts के बारे में पढ़ा और nephron के parts के बारे में पढ़ा. Next हम बात करेंगे कि how nephron work. अब हम functioning की बात करें. ये था structural organization. अब हम next lecture में करेंगे how nephron work to form urine. ठीक है बच्चे, थैंक यू.